गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश में आपके देखिए पेज नंबर है ये 34, ये 34 पेज नंबर है आपके, वो आज हम करेंगे यहाँ पे। तो देखिए ये हमारे पेज नंबर 34 कर रहे हैं यहाँ पे हम। हाँ, यहाँ पे देखिए क्या है, तो यहाँ पे है वर्ड प्ले। इसमें हम क्या करेंगे, ये आपको वर्ड है वो मैच करवाने हैं, वो आप करेंगे। यहाँ पे देखिए ये है क्या है, आपको ये कॉलम ए, कॉलम बी और इसको कॉलम सी से मैच करवाना है। और एक हमें दिया गया है, देखिए जैसे ये है एम ए एन मैन और ये है जी ओ, तो ये हुआ मैंगो। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मैंगो। हाँ, फिर इसके बाद हम जा रहे हैं ऐसे ही आपको ये मैच करवाने हैं। तो अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे देखिए ये सेकंड नंबर का क्या है, तो सेकंड नंबर का है कार। तो यहाँ पे देखिए ये है सी ए आर कार, और इसके साथ क्या आएगा, तो इसके साथ आएगा पेट। तो ये पे यहाँ पे देखिए ये आएगा, यहाँ पे ये आएगा कारपेट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी ए आर पी ई टी कारपेट। फिर है थ्री नंबर का, तो थ्री नंबर का क्या है, तो डी डबल ए और डॉर, और उसके बाद तो ये है, उसके बाद आएगा बेल। तो डॉर बेल, डॉर बेल होती है ना जो हम बजाते हैं वो। तो यहाँ पे थ्री नंबर में हम लिखेंगे, यहाँ पे देखिए लिखेंगे डी डबल ओ आर बी ई डबल एल डॉर बेल। फिर है फोर नंबर का, फोर नंबर का क्या है, तो फोर नंबर का है रेन। तो रेन के साथ क्या आएगा, तो रेन के साथ आएगा बो, ये रहा रेनबो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे देखिए ये मेरे थोड़े नीचे लिख रही हूँ, आपके अच्छे से लिखेंगे। यहाँ पे ये आएगा रेनबो, ये आप लिखेंगे रेनबो। फिर इसके बाद आएगा यहाँ पे देखिए आप नेक, फाइव नंबर का क्या है नेक, और नेक के साथ आएगा वहाँ पे टाई। तो यहाँ पे देखिए आएगा नेक टाई। तो यहाँ पे मैं ये नेक टाई वाला यहाँ पे लिख रही हूँ, यहाँ पे देखिए ये नेक ये टाई, ये फाइव नंबर का आएगा, ये फाइव नंबर के सामने यहाँ पे आप लिखेंगे, ये फाइव नंबर में नेक टाई आएगा। फिर है सिक्स नंबर पी, पी के साथ क्या आएगा, पी के साथ यहाँ पे ये आएगा पिकॉक। तो आप सिक्स नंबर में लिखेंगे पिकॉक, यहाँ पे मैं सिक्स नंबर में लिख रही हूँ, ये देखिए पी ई ए सी ओ सी के पिकॉक। फिर है सेवन नंबर गो, तो वहाँ पे क्या आएगा, तो गो के साथ आएगा ए टी गोट। क्या आएगा सेवन नंबर का, यहाँ पे मैं लिखूँगी ये सेवन नंबर का आएगा गोट, जी ए ए टी गोट। फिर है एट नंबर का ब्रेक, ब्रेक के साथ क्या आएगा, तो ब्रेक के साथ आएगा ये ब्रेकफास्ट, हम करते हैं ना ब्रेकफास्ट। तो एट नंबर में आप लिखेंगे ब्रेकफास्ट, बी आर ई ए के एफ ए एस टी ब्रेकफास्ट, ये आएगा एट नंबर में लिखेंगे। फिर है नाइन नंबर टूट, और टूथ के साथ क्या है, तो यहाँ पे देखिए रहा टूथब्रश, क्या है ये टूथब्रश। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ टूथब्रश, तो आप लिखेंगे एट नंबर के सामने यहाँ पे लिखेंगे टूथब्रश, टी डबल ओ टी एच बी आर यू एस एच टूथब्रश, ये लिखेंगे। फिर ना टेन नंबर का है कप, और कप के साथ आएगा ये देखिए, कप के साथ आएगा बोर्ड, कप बोर्ड, कप बोर्ड का मीनिंग होता है कबर्ड। तो यहाँ पे ये टेन नंबर में आप लिखेंगे यहाँ पे कप बोर्ड, कप बोर्ड का स्पेलिंग मैं यहाँ पे ऊपर लिख रही हूँ, मेरे इसमें नीचे जगह नहीं है, इसलिए बी ओ ए आर डी कप बोर्ड, ये टेन नंबर में लिखेंगे, ये आपको ऐसे लिखने हैं। फिर हम नेक्स्ट नीचे जा रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स अप्रोसिएटली विथ इन ऑन और अंडर। तो यहाँ पे हमें फिलिंग द ब्लैंक्स में इन ऑन और अंडर हमें लिखना है, तो यहाँ पे आप ये लिखेंगे। तो देखिए फर्स्ट वन में क्या है, द कैटल इज ब्लैंक ऑन टी पॉय, तो टी पॉय है जो टी पॉय उसके ऊपर कैटल मतलब वो जो वो चाय की केटली होती है वो पड़ी है। तो यहाँ पे क्या आएगा ऑन, फर्स्ट में आएगा ऑन। फिर द मून इज ब्लैंक इन द स्काई, मून कहाँ है, तो स्काई के अंदर है, तो इस सेकंड में आएगा इन।
फिर थ्री नंबर है द काउ इज ब्लैंक द ट्री, काउ है वो ट्री के नीचे है, तो यहाँ पे आएगा अंडर, यू एन डी ई आर अंडर। फिर है फोर नंबर द हॉर्स इज ब्लैंक द स्टेबल, हॉर्स है जो वो स्टेबल मतलब वो उसकी जो घोड़ा जहाँ पे रहता है उसको स्टेबल कहते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा तो इन, इन द स्टेबल, यहाँ पे आई एन आएगा। फिर फाइव नंबर है द बकेट इज ब्लैंक द टैप, बकेट है वो कहाँ है, बकेट मतलब पानी की डोल होती है वो नल के नीचे होती है, तो यू एन डी ई आर अंडर फाइव नंबर में। और सिक्स नंबर है द टेबल लैम्प इज ब्लैंक द स्टूल, जो टेबल लैम्प है वो स्टूल के कहाँ होता है तो ऊपर, तो यहाँ पे आएगा ऑन। तो आज आपको जनरल इंग्लिश में एक ही पेज करना है, पेज नंबर है 34, वो अच्छे से गुड हैंड राइटिंग में करेंगे और इसके मुझे फ़ोटो भेजेंगे। थैंक यू।